हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन विद मी। क्या है? एग्जाम प्रिपरेशन विद मी टेलीग्राम चैनल का नाम है। उससे जाकर आप लिंक हो जाए, जुड़ जाए और जितने अभी पीडीएफ हैं आप सारी पीडीएफ को वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियोस उनको मिलती रहें। करंट अफेयर्स आपको सुबह 6:30 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूं और उसकी पीडीएफ भी मैं डेली अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल से। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है? प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को। इसका योजना का जो शुरू करने का उद्देश्य है वो ये है कि सरकार चाहती है कि जितने भी युवा हैं उनके लिए जितना भी बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, वो मेहनत करें और उनके लिए कुछ ऐसा प्रोत्साहन किया जाए कि जिससे कि उनको नौकरी मिल सके। सरकार ऐसा चाहती है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार है तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में यहाँ का हाईकोर्ट है। और इस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर एक से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन देखो, ये जैसे कि दिख रहा है मैप में जरूर आपको पहचानना आना चाहिए उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ये वाला पूरा मैप किसका है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश देखोगे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और यहाँ पर दिल्ली है। तो ये उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ये उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं और एक देश उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है जिसका नाम है नेपाल। तो एक देश है नेपाल और बाकी पड़ोसी राज्य से लगे हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे दोस्तों। हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो, इंडियन पर्सनैलिटी पुरस्कार दिया गया है अभी विश्वजीत चटर्जी को। किसको दिया गया है? विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। देखो, ये हैं विश्वजीत चटर्जी जिन्हें भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्सनैलिटीज का मीनिंग होता है इंग्लिश में। और ये पुरस्कार दिया गया है इन्हें सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें दिया गया है? सिनेमा के क्षेत्र में। और ये बंगाली अभिनेता हैं, इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है, इस क्वेश्चंस को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन है, हाल ही में किस शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, किस यहाँ पर लिख लेना शहद। देखो यहाँ पर देखो किस बन के शहद को, ये भी गलत है यहाँ पर, किस बन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। हाल ही में किस वन के शहद को जीआई टैग दिया गया? शहद, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सुंदरवन। सुंदरवन का जो शहद है उसको जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन का जो शहद है उसे जीआई टैग दिया गया है। अब देखो जीआई टैग एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं जीआई, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। क्या होता है इसका मतलब? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जो वस्तु की गुणवत्ता बताने के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु की गुणवत्ता बताने के लिए होता है। अब देखो ये जो सुंदरवन वाला एरिया है पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल के इस टाइम पर चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है टीबीएन राधाकृष्णन। कौन है? टीबीएन राधाकृष्णन है। अब देखो इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि और किस राज्य के वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। जैसे कि यहाँ पर हमने किसका बताया है? सुंदरवन का जो शहद है उसे जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे ही सिक्किम, सिक्किम राज्य का है डल्ले खुरमानी। क्या है? डल्ले खुरासानी मिर्च।
डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। इसी तरह से देखोगे झारखंड का कोहबर और सोहराई चित्रकला को, ठीक है ना, कौन सी है? कोहबर, कोहबर और सोहराई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। कोहबर और सोहराई पेंटिंग है झारखंड की, इनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा देखो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिल चुका है, काले चावल को जीआई टैग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तमिलनाडु का मुरुगन मंदिर है, कौन सा? मुरुगन मंदिर है तमिलनाडु का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे ही कश्मीर की केसर, कहाँ की? कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिला है। वैसे ही महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पलों को जीआई टैग मिल चुका है। तो इनको याद कर लोगे, जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये सुंदरवन वाला क्षेत्र है, काफी घना क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन पाए जाते हैं, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो देखो जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। किसको बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। अब ये जीमा बीमा निगम को क्या बोलते हैं हम? LIC, क्या बोलते हैं? LIC, फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 सितंबर 1956 को। कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। और इसके चेयरमैन कौन है? M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार। और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। अब देखो इसके अलावा मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं बैंकों से रिलेटेड। अभी देखोगे एक बैंक है RBL बैंक, ठीक है, RBL बैंक के जो MD और CEO बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट करते चले जाओगे आप। RBL बैंक के MD और CEO बने हैं, उनका नाम है विश्ववीर आहूजा। कौन बने हैं? विश्ववीर आहूजा। ऐसे ही PNB बैंक के देखोगे तो PNB बैंक के CMD कौन बने हैं या MD CEO कौन बने हैं? मल्लिका अर्जुन राव। एक्सिस बैंक के कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के कौन बने हैं? संदीप बक्सी। HDFC बैंक के कौन है? शशिधरन जगदीशन। और केनरा बैंक के कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है यहाँ से क्वेश्चन। देखो ये है सिद्धार्थ मोहंती जो प्रबंधक निदेशक बने हैं LIC के। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने घोटालों के आरोपों को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो देखो कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे जिन्होंने घोटालों के आरोप को लेकर इस्तीफा दिया है? आंसर होगा इसका नीदरलैंड। कहाँ के हैं दोस्तों ये? नीदरलैंड के हैं। अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं तो नीदरलैंड की बात कर लें, राजधानी क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम, ठीक, क्या है? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम्स्टर्डम, ठीक है, ये कैपिटल है नीदरलैंड की। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। और अभी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम क्या है? मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, देखो ये है मार्क रूटे जिन्होंने घोटालों के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है नीदरलैंड, और इनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नहीं है, प्रवास है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो किस देश के प्रवासी सबसे ज्यादा है, ठीक है, NRI जिनको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन। NRI सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? भारत के हैं। कहाँ के NRI हैं? भारत में सबसे ज्यादा NRI पाए जाएंगे, भारत के बाहर देश विदेशों में जो रहते हैं भारत के लोग उन्हें NRI बोलते हैं, और इनकी संख्या लगभग 1,80,00,000 है। कितनी है? 1,80,00,000 है। सबसे ज्यादा NRI भारत के कहां पर है? UAE में। कहां पर है? UAE। उसके बाद कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। उसके बाद कहां पर है? सऊदी अरब में है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन याद रखोगे इस क्वेश्चन के बारे में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया है? तो देखो ये अभी भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास हुआ है जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021। तो ये आयोजित हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, और ये कहां पर हुआ है? 20 से 24 फेब तक ये होगा, और ये जोधपुर वायु
ये कहां से हुआ, जोधपुर वायु स्टेशन से हुआ है। कहां से, जोधपुर वायु स्टेशन से। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। क्वेश्चन सात काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, ये देखोगे फाइटर है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर से हुआ है, 20 से 24 तक ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में WHO बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO बोर्ड के 144वें सत्र की अध्यक्षता WHO डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। अब देखो WHO की डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, तो WHO के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है WHO, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एड्रेनॉम। कौन है, टेड्रोस एड्रेनॉम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने 148वें सत्र की अध्यक्षता की है WHO में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखो सबसे पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित कहाँ पर होगा दोस्तों, केरल के अंदर। कहाँ पर होगा, केरल के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। अब केरल में होगा तो केरल की बात कर लें दोस्तों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM का नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है, पिनरई विजयन। और यहाँ के राष्ट्र गवर्नर का नाम क्या है, गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। कौन है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। और देखो यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पर है, एनारकुलम में। और इसके चीफ जस्टिस कौन है, एस मणि कुमार इसके चीफ जस्टिस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं देखो चीफ जस्टिस भी बता रहा हूँ उसको, साथ साथ एक चीज़ मैंने और इंक्लूड कर दी है इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ इस तरीके का होगा, जो किसान आंदोलन है पहला संग्रहालय का, तो कुछ इस टाइप का होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो ये 10 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ है पहली बार, आंसर होगा इसका झांसी। कहां पर हुआ है, झांसी में इसको आयोजित किया गया है, जिससे कि स्ट्रॉबेरी की जो फसल है किसानों को उसके सही दाम मिल सके और स्ट्रॉबेरी की फसल को प्रोत्साहित और ज्यादा किया जा सके। अब देखो उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यहाँ के CM का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की चीफ जस्टिस कौन है उत्तर प्रदेश के, गोविंद माथुर। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखोगे। देखो ये स्ट्रॉबेरी का कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये महोत्सव हुआ था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और आलिशान भी लग रहा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश की टीम ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर सर्दियों के मौसम में पहली बार चढ़कर जीत हासिल की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखोगे ये कहाँ की टीम है, नेपाल की टीम है, जिसने सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में कोई नहीं चढ़ा है अभी तक, कोई टीम नहीं चढ़ी है, तो K2 पर चढ़कर इन्होंने पहली बार चढ़कर ये जीत हासिल की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। क्या है, काठमांडू है। यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, रुपिया है। क्या है, और रुपिया है। KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। कौन है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये 16 जनवरी 2021 को ये टीम वहाँ पर चढ़ी थी और ये जीत हासिल की है, सॉरी 16 जनवरी 2021 को इस टीम ने जीत हासिल की है। K2 देखोगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। आगे आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो ये चोटी है K2, काफ़ी आलिशान, काफ़ी देखोगे कितनी बिंदास लग रही है एकदम से। क्वेश्चन नंबर है 12, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म द्वारा, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखो ये पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसको लिखा गया है राम सेवक शर्मा के द्वारा। इसका नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। राम सेवक शर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो देखो ये है पुस्तक जिसको लिखा है राम सेवक शर्मा ने। क्या नाम है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक को भी याद रखोगे। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सभी कीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर जरूर किया करो सभी लोग, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करो इसका। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।